स्किन बहुत ज़्यादा मेकअप करने से ऑयली हो जाती है, जिससे वो अनइवन हो जाती है, डल हो जाती है। तीसरी, डार्क सर्कल्स या पिगमेंटेशन, वो हमारे स्किन में कॉमन स्किन कंडीशन जिसको हम पिगमेंटेशन, दाने, फ्रेकल्स या छोटे छोटे अनइवन स्किन टोन जो होता है वो भी कॉज करती है। इसलिए टीनेजर स्किन केयर टिप्स डिस्कस करूँगी जिससे आपकी त्वचा साफ, एक्ने फ्री, ग्लोइंग और हेल्दी रहे। सबसे पहले टिप नंबर 1, क्या आप एक कॉलेज गोइंग गर्ल हैं? आप एक टीनेजर हैं, आपको अपने टीन एज स्किन के बारे में पता करना है। रोज सुबह आप अच्छे से तैयार होते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, मैचिंग ज्वेलरी और मैचिंग सैंडल्स के साथ। पर कभी आपने सोचा कि इज योर स्किन रेडी? क्या आपकी त्वचा भी आपका साथ दे रही है कि नहीं? मैं डॉक्टर एकता निगम, सीनियर कंसल्टेंट, यूनिट हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी, पारस हॉस्पिटल्स गुड़गांव में लास्ट 20 ईयर्स से प्रैक्टिस करती हूँ। आपने देखा होगा कि टीनेजर्स को बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स इसीलिए होती हैं क्योंकि उनको प्रॉब्लम्स के साथ साथ उनका डाइट का प्रॉब्लम रहता है, स्ट्रेस का प्रॉब्लम होता है, फिर उनका काम का भी, उनको एग्ज़ाम का भी स्ट्रेस होता है। सिंपल टिप्स आज मैं जो आपसे डिस्कस करूँगी वो हैं टीनेजर्स और उनकी स्किन प्रॉब्लम्स को लेकर। सबसे पहले जो टीनेजर्स को बहुत ही कॉमन स्किन की प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं एक्ने या मुहासे, उसको हम वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स भी कहते हैं। आपने देखा होगा क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, स्ट्रेस है, डाइट्री इम्बैलेंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसको हम PCOS या PCOD भी कहते हैं, जिससे आप देखेंगे हमारी कॉमन स्किन की त्वचा और कॉमन स्किन में जो प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत ज़्यादा हो गई हैं, चाहे वो बॉयज़ में हो चाहे वो गर्ल्स में हो। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिंपल टिप्स आप फॉलो करिए ताकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी, ग्लोइंग और लॉन्ग टर्म में अच्छी रहे। सेकंड जो कंडीशन है हमने टीनेज में देखी है, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा मेकअप करने से ऑयली हो जाती है, जिससे वो अनइवन हो जाती है, डल हो जाती है। तीसरी, डार्क सर्कल्स या पिगमेंटेशन जिसको बोलते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे लेट नाइट पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं, जिससे हमारी स्किन में एक लेयर या परत जम जाती है जो स्किन को डार्क करती है। दूसरी कॉमन कंडीशन अब हम देखेंगे जो हेयर फॉल है। आजकल क्योंकि स्ट्रेस रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जिसमें हेयर फॉल आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो डैंड्रफ हो, चाहे वो हेयर थिनिंग हो या चाहे वो हेयर लॉस पैच हो। ये सारी कंडीशंस हम बहुत रेगुलर अपनी OPD प्रैक्टिस में देखते हैं। आजकल लोग बॉयज़ या गर्ल्स, उनको बहुत अपने स्किन कलर को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। जो डार्कनेस या फेयरनेस क्रीम्स आ गई हैं उनके लिए लोग, बच्चे बहुत परेशान होते हैं और सीधा बोलते हैं कि हमको गोरा होना है। गोरा होने की ऐसी कोई चीज़, कोई दवाई नहीं होती। इट इज़ जस्ट दैट कि आपको अपना त्वचा, अपने स्किन टाइप पता होना चाहिए और ऐसे इंग्रेडिएंट्स या ऐसे प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने चाहिए जो आपके स्किन को यूज़ करें। कभी कोई स्टूपिड स्टफ़ या जिसको हम बोलते हैं ओवर द काउंटर चीज़ें जाकर नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि वो आपके स्किन को रेडनेस, फ्लेकीनेस, रफनेस, एलर्जिक और ज़्यादा पोर साइज या जिसको हम बोलते हैं इवन एक्ने भी बढ़ा सकती है। लाइफस्टाइल चेंजेस को थोड़ा सा मॉड्यूलेट, थोड़ा सा रेगुलेट करने से हम अपनी स्किन को, अपनी त्वचा को भी बेटर कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ सिंपल स्किन केयर या टीनेजर स्किन केयर टिप्स डिस्कस करूंगी जिससे आपकी त्वचा साफ, एक्ने फ्री, ग्लोइंग और हेल्दी रहे। सबसे पहले टिप नंबर 1, जो बहुत ही बेसिक होता है कि आपने हाउ टू वॉश योर फेस। आपने अच्छे से एक कोई भी माइल्ड क्लींजर यूज़ करना है दिन में, मॉर्निंग में भी एंड जब आप बाहर से आते हैं।
और क्लींजर करता क्या है? क्लींजर हमारे फेस की जितने भी पोर्स हैं, डर्ट है, डस्ट है, उसको क्लीन करता है। एंड जब आप फेस को वॉश करते हैं, इट विल गिव यू अ माइल्ड फ्रेशनेस और आपको ब्राइट भी कर सकता है। सेकंड, जो टोनिंग होती है, आजकल आपने देखा होगा ये टोनर्स, बहुत सारे टोनर्स आजकल मेडिकेटेड भी आते हैं, कॉस्मेटिक भी आते हैं, बट नॉर्मली हम बोलते हैं कि मेडिकेटेड टोनर ही यूज़ करें, ताकि वो आपके स्किन का पीएच बैलेंस को कंट्रोल रखता है, ताकि आपके स्किन में कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो। मॉइस्चराइजेशन, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, मॉइस्चराइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉइस्चराइजेशन एक हाइड्रेशन की तरह काम करता है। अगर आप देखें कि अगर आपकी फेस बहुत ज़्यादा डल लग रहा है, या आपने पूरे दिन से पानी नहीं पिया, तो आपकी स्किन का मॉइस्चर बहुत ज़्यादा सूख जाता है या ड्राई हो जाता है, उसमें अब उस वक़्त आप कोई भी माइल्ड या मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, तब आपको एक तो स्किन लेयर भी आपकी प्रोटेक्ट होगी और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रैशेज, रेडनेस, रफनेस से भी बचेगा। सनस्क्रीन आजकल आपने देखा हो बहुत ज़्यादा कॉमन एक ऐसा स्किन प्रोडक्ट है जो हर डॉक्टर बताता है कि आप यूज़ करें, क्योंकि वो हमको हार्श अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है और हमारे को टैनिंग से भी बचाता है। हम सारा दिन सुबह से जब बाहर गए हैं, चाहे हम इंडोर्स हैं या आउटडोर्स हैं, लोग समझते हैं कि अगर हम घर के अंदर हैं या ऑफिस के अंदर हैं, हमको सनस्क्रीन नहीं लगाना। बट जब हम ऑफिस के अंदर हैं, हम काम कैसे करते हैं, हमारे पास यूवी लाइट्स, इंफ्रारेड लाइट्स, लैपटॉप, मोबाइल, बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स, जो इसकी जो रेडिएशन है वो हमारे स्किन को डैमेज करती हैं, वो हमारे स्किन में कॉमन स्किन कंडीशन जिसको हम पिगमेंटेशन, दाने, फ्रेकल्स या छोटे छोटे अनइवन स्किन टोन जो होता है वो भी कॉज करती है। इसलिए सनस्क्रीन आपने अच्छे से फेस, नेक एंड एक्सपोज्ड एरियाज़ में लगाना ही लगाना है। उससे ज़्यादा जो सबसे कॉमन टिप है, हम जो पेशेंट्स को बोलते हैं या आजकल के बॉयज़ एंड गर्ल्स, वाटर इनटेक, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन लेवल ऑफ वाटर, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल लेते हैं, बट लोग बेसिक वाटर इनटेक पीना भूल गए हैं। वाटर इनटेक मिनिमम आपको 8 to 10 ग्लासेस पीना ही पीना है, ताकि आपका स्किन का पीएच बैलेंस, स्किन त्वचा का पीएच बैलेंस और आपका हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहे, ताकि आपका गला ना सूखे, आपकी स्किन ना सूखे और नरिश्ड रहे। आपने देखा होगा टीनेजर्स को जो सबसे कॉमन कंडीशन और भी जो होती है वो है अंडर आई पिगमेंटेशन। अंडर आई पिगमेंटेशन, जिसको हम डार्क सर्कल्स भी बोलते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि लेट नाइट सोना, गंदा खाना खाना, ऑयली चीज़ें खाना और टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम, इन सब चीज़ों को आपने बैलेंस करना है। काम तो करना ही है, बट कोशिश करें कि जब आप एक बार घर पहुंच जाएं, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका ओटीटी आप कम से कम यूज़ करें, ताकि आपको, एंड स्पेशली आजकल की जनरेशन जो रात के 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ते भी हैं, जागते भी हैं, टीवी भी देखते हैं, फिर सुबह लेट उठते हैं, उससे आपकी अंडर आई पफिनेस जिसको बोलते हैं वो बहुत कॉमन हो जाती है। अंडर आई डार्कनिंग ऑफ स्किन, अंडर आई डार्क सर्कल्स हो जाती है। दूसरा जो बहुत कॉमन टिप है जो गर्ल्स यूज़ करती हैं, जिसको हम बोलते हैं कि डू नॉट शेयर पर्सनल आइटम्स या पर्सनल टॉयलेट्रीज। कभी किसी का फेस वॉश, लिप बाम या लिपस्टिक या कोम शेयर नहीं करें, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि उस दूसरे इंसान की त्वचा कैसी है, स्किन कैसी है, और आपको उसके प्रोडक्ट सूट करेंगे भी या नहीं सूट करेंगे। इसलिए पर्सनल आइटम्स कभी भी किसी से शेयर नहीं करिए। चेंजिंग ऑफ बेडशीट्स, पिलो कवर्स एंड पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपने बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथ्स, अंडर क्लोथ्स या जीन्स, जो कॉमन कंडीशंस हमारी एलर्जी,
फंगल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। वायरस हमारे एयर में भी होता है, बट उससे भी ज़्यादा अगर हमारी क्लोथिंग कंफर्टेबल नहीं है, आप ये स्किन इन्फेक्शंस जो कि एलर्जीज या फंगल इन्फेक्शंस जो बहुत ज़्यादा कॉमन है ड्यूरिंग समर्स या हॉट एंड ह्यूमिड सीजन में, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। द वेरी इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि क्योंकि लोग स्किन प्रॉब्लम्स को सीरियसली नहीं लेते हैं, स्किन की क्रीम वो जाके अपने केमिस्ट शॉप से ही ले लेते हैं, बट जब कोशिश करिए कि आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो, इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर एंड बी देयर ऑन टाइम, ताकि वो आपकी स्किन की प्रॉब्लम जो स्टार्टिंग में है बहुत ज़्यादा वर्स ना हो जाए, अनकंट्रोलेबल ना हो जाए, कि ताकि आपके डॉक्टर्स बोलें कि आप पहले क्यों नहीं आए। इसलिए आप अपने स्किन को उतना ही सीरियस लीजिए जितना आप अपने बाकी बॉडी के हिस्से या बाकी ऑर्गन्स को लेते हैं। अगर आपको स्किन के बारे में कुछ भी पूछना है या कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करना है, तब आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, ताकि मैं आपको वहां पे बता पाऊँ और आपकी स्किन केयर का आपको सोल्यूशन दे पाऊँ।